ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। भूपेश आनंद आपके सामने है। दोस्तों, मैंने आज आपके लिए एक लेक्चर 7 तो स्टार्ट करना ही है, दैट इज वी आर डूइंग प्रिपेयरिंग बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बट बेटे, ये लास्ट लेक्चर, और मैं कुछ बताना चाहता हूँ आप सभी को। आप बहुत छोटे थे तो आपने एक कहानी सुनी थी, एक कछुआ था और एक खरगोश था, बेटे रैबिट और टॉर्टोइस की, याद है बेटे वो कहानी? मैंने उसको याद कराने के लिए ये इमेजेस आपके सामने गूगल बाबा से पूछी और ये इमेजेस आपके सामने रख दी। एक बात समझ आती है बेटे इस कहानी से, जो आप भूल चुके हैं। आपको लगता है आता है आता है आता है, आपने ट्वेल्थ में कर लिया, ग्रेजुएशन में कर लिया, कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, और आप करते नहीं हैं। वो बेटे जो नॉन कॉमर्स वाले होते हैं, साइंस साइड वाले स्टूडेंट्स हैं, या जो कॉमर्स वाले भी हैं, जो उन्होंने जिन्होंने कहानी अभी भी जिनको याद है, यू नो बेटे, वो कछुए की चाल से चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं बेटे। लाइफ भी सक्सेस के लिए, लाइफ में सक्सेस अचीव करने के लिए आपको हर रोज कुछ ना कुछ चलना है। भले आपकी स्पीड स्लो है, इट हार्डली मैटर्स, बट द पॉइंट इज यू आर डूइंग सम एफर्ट, यू आर मूविंग फॉरवर्ड बेटे। बेटे रैबिट जैसे आपको जरा सा भी अभिमान या गर्व या ईगो या होना नहीं चाहिए कि मुझे सब आता है मैं कर लूंगा, नहीं बेटा। आप ये बताइए, इस कहानी में कछुआ जीत गया था, जबकि उसकी स्पीड आप सभी को मालूम है कैसी है। तो एक ही बात समझ आती है, F3 फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो आप अटेंड कर रहे हैं, मेरे लेक्चर्स देख रहे हैं आप बेटे, आज 17th लेक्चर्स कंप्लीट हो गए, अब तो 4-5 चैप्टर्स ही रह गए कंप्लीट F3, एंड आई एम डूइंग F9 फॉर आफ्टर दैट। मैं अब स्किल लेवल और प्रोफेशनल लेवल के पेपर्स करने जा रहा हूँ, क्योंकि नॉलेज के तो तीनों कर दिए मैंने। तो बेटा समय तो बीतता जा रहा है, और हर रोज यू नो जब मैं अपना नया सब्जेक्ट जब स्टार्ट करता हूँ तो उस दिन लगता है इतना बड़ा है, 20-22 चैप्टर्स करने पड़ेंगे। बट द पॉइंट इज, मैं हर रोज कुछ ना कुछ रिकॉर्डिंग करता हूँ, तो अल्टीमेटली मैं उस सक्सेस के अचीव उस पॉइंट पर पहुँच जाता हूँ। तो मैं आज यही बात आपको बताना चाह रहा हूँ। कछुए की कहानी आप अगर ध्यान से देखें तो बेटा लाइफ में हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है उससे। आइए, ग्रेट मॉर्निंग, मैंने भूपेश आनंद लिख दिया अपना नाम। ला कागज कलम दवात ला, लिख दूं मैं अपना नाम तेरे नाम के साथ। तो आप रजिस्टर ओपन कर लें, प्रिपेयरिंग बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चैप्टर 17 लेक्चर 7 आज लास्ट लेक्चर है बेटे। मैंने IAS 1 बता दिया, IAS 10 बता दिया, IFRS 15 बताने जा रहा हूँ। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड 15 आज मैं आपको बताऊंगा बेटे, वेरी इंपॉर्टेंट, नो डाउट। दिस स्टैंडर्ड इज वेरी डिटेल, यू नो, बहुत लंबी डिटेल में है ये स्टैंडर्ड, बट स्टिल यू नो मैं कुछ ऐसे इंस्टेंसेस बताऊंगा विच आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड विच आर गिवन टू यू इन कैप्लन एज वेल एज BBP, सो वी शुड नो दैट व्हाट आर द मेजर क्रक्स ऑफ IFRS 15। तो जल्दी से बिल्कुल तैयार हो जाइए, डाल हाथों में हाथ, हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास। तो चलिए जी, पीपल हु गेट प्लेसेस आर द वन हु कीप मूविंग। मैंने इसकी इमेज भी दिखा दी, मैं आ गया जी भूपेश आनंद आपके सामने, बिल्कुल मुद्दे पे आ गया सीधा। विकिपीडिया देखेंगे, गाने भी देखेंगे, बट पहले मुद्दा तो देख लो। IFRS 15 विच आई हैव डिस्कस विच आई हैव टोल्ड यू इन द लास्ट लेक्चर दैट फॉर बेसिक फाइनेंशियल प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आई रिक्वायर IAS 1, आई रिक्वायर IAS 10, आई रिक्वायर IFRS 15। जैसे बेटे किसी चीज़ को बनाने के लिए, दही सांबर वड़ा बनाने के लिए आपको सांबर वड़े के लिए कुछ कॉम्पोनेंट्स की जरूरत है, सिमिलरली फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आई नीड सम 3 कॉम्पोनेंट्स। बेसिकली F7 में वी नीड सो मेनी डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स, स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग में और ज़्यादा कॉम्पोनेंट्स, बट अभी आपका बेसिक पार्ट है ना बेटे, इसलिए इंस्टीट्यूट ने सोचा कि अभी आपको 3 कंपोनेंट्स की जरूरत है, उसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो लास्ट कंपोनेंट स्टार्ट कर रहा हूं, IFRS 15, रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर्स। मैं आज ह्यूलेट पैकेट की बातें करूंगा, HP की बातें करूंगा, मैं आपको ये बताऊंगा दैट समटाइम्स इतना ईजी होता नहीं है जो आपको लगता है कि सब ईजी है बेटे। I think you have heard about revenue recognition in chapter number 1. I have taken 20 lectures for explaining revenue recognition.
अक्रूअल कंसेप्ट क्या है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन क्या है, प्रूडेंस कंसेप्ट क्या है, हम किस तरह से रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करते हैं, बिकॉज इफ आई डू अ रॉन्ग रिकॉग्निशन प्रॉफिट कैन कन्वर्टेड टू लॉस एंड लॉस कैन बी कन्वर्टेड टू प्रॉफिट एंड दैट इज नथिंग बट क्रिएटिव अकाउंटिंग, दैट इज जस्ट मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स. So I should have principles, I should have practices, I should have policies, I should have benchmarks which tell me that yes, this is to be treated as a revenue and this is expense for this year, this revenue is for this year and this revenue is for next year. बेटे जब तक आपको bifurcation करना नहीं आएगा income को और expenses को, और specifically आज मैं बात करूँ revenue की. And that too after COVID-19, you know, you have seen that revenue of digital companies have increased like anything. तो मैं भूपेश आनंद चाहता हूं कि आप रजिस्टर ओपन कर लें, बिल्कुल टेबल चेयर पे बैठे, लास्ट लेक्चर है बेटे, ईमानदारी से जुड़ो, सिंसेरिटी, अल्लाह मियाँ भगवान आपकी ईमानदारी पे ज़्यादा खुश होता है. आप इंटेलिजेंट नहीं है कोई बात नहीं, आप बस एफर्ट तो कर रहे हैं. कर्मण्येवाधिकार से मा फलेषु कदाचन, बेटे फर्स्ट पॉइंट लिखना आप सभी ने, आपको आता है मुझे मालूम है, स्टिल यू हैव टू राइट डाउन. वी हैव टू डू रेवेन्यू, हाउ वी विल रिकॉग्नाइज रेवेन्यू फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट. उसके लिए मुझे कुछ बेसिक बातें बतानी है. बेटे लोहा गर्म तो करने दो, तभी तो चोट मारूंगा, अभी पहले गर्म हो जाए आप. फर्स्ट पॉइंट लिखें गर्म होने के लिए, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट. मैंने नहीं लिखा कंसेप्ट, आप लिखेंगे प्रूडेंस कंसेप्ट, समझदारी का कंसेप्ट, अक्रूअल कंसेप्ट. नाउ दीज आर द थ्री कंसेप्ट विच वी आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ. एज पर दीज कंसेप्ट्स द रेवेन्यू इज टू बी रिकॉग्नाइज फॉर दैट पीरियड इफ इट रिलेट्स टू दैट पीरियड एंड इफ देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल इफ द दैट गुड्स हैव बीन डिलीवर्ड. बट बेटे आजकल कुछ अलग सिस्टम है, मैं उनकी बातें डिस्कस करूंगा. बेटे आपके पास मेरे जूस नोट्स हैं क्या? एक बच्चा है कहता है. अच्छा बेटे अगर हैं तो आप एक बार निकालिए जूस नोट्स को, मैंने आपको जूस नोट्स बड़ी मेहनत से बना के दिए बेटे. हाँ सर वो बात तो सही कह रहे हो आप. कंसेप्ट नंबर 7 आज हम डिस्कस कर रहे हैं एंड टोटल आई हैव डिवाइडेड दिस चैप्टर इनटू 7 कंसेप्ट्स. आज लास्ट कंसेप्ट है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम दिस फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स. कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? वायदा. मैं तेरा तू मेरी, वायदा. बेटे आप ये बताइए, एक लड़का एक लड़की को कहता है रिंग सेरेमनी में कि हम इस दिन मैरिज कर लेंगे. कॉन्ट्रैक्ट हो गया बेटा, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट मींस एक ऑफरर होता है, दूसरा एक्सेप्टर होता है. एंड इन इंडिया वी हैव अ डिफरेंट एक्ट फॉर दैट, दैट इज नेम्ड एज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वायदा. बेटे एक व्यक्ति ऑफर करता है, दूसरा एक्सेप्ट करता है और उसके अगेंस्ट कंसिडरेशन होती है और उसको हम लिखित रूप में लिख देते हैं, तो हम कहेंगे इसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट होना. बेटे कंसेप्ट 7, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स, रेवेन्यूज इनकम अराइजिंग इन द कोर्स ऑफ दिस. वी नो दैट रेवेन्यू HDFC के लिए रेवेन्यू क्या है, वी नो दैट. वी नो द रेवेन्यू इज फॉर DLF, वी नो द रेवेन्यू फॉर हिंदुस्तान लेवर, वी नो द रेवेन्यू फॉर पतंजलि, वी नो द रेवेन्यू फॉर कोका कोला, वी नो द रेवेन्यू. इट मीन्स रेवेन्यू समथिंग यू नो विच दे आर विद ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, जो उनका मेन धंधा है. माई मेन बिजनेस इज सेल ऑफ वीडियो लेक्चर्स, टेकिंग लाइव क्लासेस, टेकिंग क्लासरूम क्लासेस फॉर ACCA, फॉर CFA, फॉर CPA अमेरिका, सो फॉर CMA USA, फॉर CA, फॉर CS. इट मीन्स दैट इज माई रेवेन्यू. बट द पॉइंट इज वीडियो लेक्चर्स मैंने आपको दिए और उस वीडियो लेक्चर्स की 6 महीने की वैलिडिटी है और मेरा अकाउंटिंग पीरियड है जनवरी टू दिसंबर और हमारे और आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया. हमने आपको एडमिशन फॉर्म दिया, आपने एडमिशन फॉर्म साइन कर दिया और उसमें हमने लिखा था दैट दिस विल बी फॉर 180 डेज. बेटे आपने नवंबर में लिया और 31 दिसंबर में माय अकाउंटिंग ईयर कंप्लीट, सपोजिंगली लाइक दिस, इट मींस अभी 4 महीने और बाकी हैं. रात अभी बाकी है, बात अभी बाकी है. द पॉइंट इज द अमाउंट विच यू हैव पेड मी रिलेटेड विद 10,000 रुपीज, यू हैव पेड मी फॉर 6 मंथ्स. अभी 2 महीने ही इलैप्स हुए बेटे. आई एम गिविंग यू सर्विसेज, मैं आपको अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ, मैं आपको अपनी क्लासेस का एक्सेस दे रहा हूँ एंड यू आई एम गिविंग यू द सर्विसेज, आई एम कंडक्टिंग द सर्विसेज, यू नो. बट आई हैव ओनली 2 मंथ्स हैव बीन इलैप्स. तो बेटे आप ये बताइए, वो जो 10,000 रुपये मुझे आपने दिए 1 नवंबर को, जो एक्सपायर होंगे नेक्स्ट ईयर कब होंगे, 30 अप्रैल को जाकर, बट माय अकाउंटिंग पीरियड क्लोजेस ऑन 31 दिसंबर 2019 or 20 तो बेटे एज पर रेवेन्यू रिकॉग्निशन, बिकॉज एज पर द प्रूडेंस, एज पर द लॉजिक, एज पर IFRS 15
वो 10,000 रुपये शुड नॉट बी माई रेवेन्यू फॉर दैट अकाउंटिंग ईयर बिकॉज आई हैव नॉट गिवन यू द सर्विसेज, आई हैव टू गिव यू द सर्विसेज फॉर 4 more months. आई कैनॉट रिकोगनाइज दैट टोटल 10,000 रुपीज एज माई रेवेन्यू फॉर दिस ईयर, दैट इज अप टू फॉर फॉर 1 January 2019 अप टू 31 December 2019 में. मैं उस 10,000 को रिकोगनाइज नहीं कर सकता, करने भी नहीं चाहिए लॉजिकली. आप बताइए, 6 महीने की मैंने आपको एक्सेस दी, 2 महीने अभी हुए हैं, 10,000 चार्ज किए, तो बेटे मुझे थर्ड क्लास में जाना पड़ेगा प्रोपोर्शनेटली 2/12, क्योंकि 2 महीने वो 2/6, मैंने आपको 6 महीने का एक्सेस दिया, तो बेटे 10,000 को मैंने 6 महीने में भाग कर दिया और 2 महीने एक्सपायर्ड हो गए, तो जितने भी 2 महीने के बराबर का रेवेन्यू आएगा दैट विल बी रेवेन्यू फॉर 2019 अकाउंटिंग पीरियड. And for 4 months, जो भी expire नहीं हुआ, that falls in next year because I have to give you the services up to 6 months. बेटे वो 4 महीने का revenue अगले साल जाकर recognize होगा. बस यही IFRS 15 ये कहना चाहती है कि अगर मैंने आपसे वायदा कर लिया, contract कर लिया देने का और लेने का, तो बेटे उस केस में I have to follow the logical approach. This is only IFRS 15. फिर भी मैंने बड़ी प्यार से आपके लिए स्लाइड्स बनाई. रेवेन्यू रिकॉग्निशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फेयर प्रेजेंटेशन. रेवेन्यू शुड बी इन दिस एक्सक्लूडिंग. बेटे आप जब रेवेन्यू शो करते हैं, मैं भूपेश आनंद क्लासेस हूं, सपोजिंगली मैं आपसे GST भी चार्ज करता हूं, 10,000 की क्लास बेची, 18% का GST लिया, 1,800 रुपये, 11,800 रुपये मैंने आपसे ले लिए. एक बच्चा तो घबरा गया, उन्हें कहा आई हैव पेड 11,800. मैं तो अज्यूम कर रहा हूँ ना बेटे 11,800 मैंने आपसे ले लिए. 11,800 को अगर आप संधि विच्छेद कर दें, अगर आप तोड़ दें, तो यू विल फाइंड टू फिगर्स. वन इज 10,000 अमाउंट विच आई हैव रिसीव्ड इन माय पॉकेट एंड सेकंड इज 1,800. नो डाउट आई हैव रिसीव्ड इट, बट दैट विल नॉट रिमेन इन माय पॉकेट, दैट आई हैव टू पे टू द अथॉरिटीज, टू द रेगुलेटर्स. 1,800 रुपये मेरी जेब में थोड़ी रहने वाले हैं, दैट इज अ इनडायरेक्ट टैक्स आई हैव कलेक्टेड ऑन देयर बिहाफ फ्रॉम यू. आप डायरेक्टली वहां नहीं देंगे, तो आपने मुझे दिया और मैंने उनको देना है. बेटे वो 1,800 इज नॉट माई सेल. 10,000 जो मैंने वीडियो लेक्चर्स आपको बेचे, नो डाउट आई हैव सोल्ड एट 11,800, बट दैट 1,800 इज माई एक्सपेंस, सो आई विल शो माई रेवेन्यू एज 10,000, नॉट एट 11,800. आई एम भूपेश आनंद क्लासेस. तो यही बात लिखी है, एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स एंड अमाउंट कलेक्टेड ऑन द बिहाफ ऑफ अदर. जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल देना है मेक माई ट्रिप का. बेटे मेक माई ट्रिप का नाम सुना है, या आपने ओला रूम्स का नाम सुना है, या आजकल बड़ी सारी ऐसी ट्रेवल एजेंसीज आ चुकी हैं दोस्त. अगर आप उन साइट पे जाते हैं तो डायरेक्टली यू कैन सी द व्हाट आर द रेट्स. जैसे आपको यहाँ से लंदन जाना है, ये बच्चों तो खुश हो गए बेटे जैसे ही मैंने कहा लंदन जाना है. हाँ बेटे, आपको जहाँ जाना है उसको सोचिए, आप कर चुके हैं, उसको विजुलाइज कीजिए, माइंड में पिक्चर्स बनाइए, हकीकत बन जाएगी, कायनात वो मदद करना शुरू कर देती है. अब आपने लंदन जाना है तो आपने दिल्ली से लंदन की फ्लाइट्स देखी कौन कौन सी जा रही हैं, और उनका कंपैरिजन करने की कोशिश की, तो मेक माई ट्रिप की साइट में गए, वहां पर आपने देखा जेट एयरवेज का सबसे कम प्राइस है, तो आपने पेमेंट मेक माई ट्रिप को कर दी और मेक माई ट्रिप ने आपकी बुकिंग कर दी जेट एयरवेज की एज ऑन द पर्टिकुलर डेट. अब बेटे मेक माई ट्रिप थोड़ी लंदन लेकर जाएगी, उसकी एयरवेज नहीं है, उसकी फ्लाइट नहीं है, उसकी एयरक्राफ्ट नहीं है, उसकी एयर बसेस नहीं है. एयर बसेस आर ऑफ जेट एयरवेज. मेक माई ट्रिप क्या करेगा, आपने जो पैसे दिए, आपके पैसों में से कुछ पैसे वो अपनी कमीशन, अपनी दलाली अपने रख लेगा, एंड द बैलेंस अमाउंट ही हैज टू गिव टू जेट एयरवेज. रियल लाइफ एग्जांपल है बेटा. तो पॉइंट इज, मेक माय ट्रिप को अपना रेवेन्यू कितना शो करना चाहिए. लेट इट बी 50,000 रुपीज यू हैव पेड टू मेक माई ट्रिप. आउट ऑफ दैट 5,000 इज कमीशन ऑफ मेक माई ट्रिप, 45,000 उसको जेट एयरवेज को देने हैं. तो बेटे मेक माई ट्रिप शुड शो इट रेवेन्यू बाय 5,000 रुपीज, नॉट बाय 50,000 रुपीज. यही बात यहां पर मेंशन कर रही है IFRS 15 बेटे, अदरवाइज इट विल नॉट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू. सो द अमाउंट कलेक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स, मेक माई ट्रिप, जेट एयरवेज, भूपेश आनंद. बेटे क्या रियल लाइफ एग्जाम्पल्स आपको दे रहा हूं, सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया की IFRS 15 बेटे F7 में मैं पता नहीं कितने लेक्चर लेता हूँ IFRS 15 के लिए. आपके लिए एक छोटा सी बात बस बतानी है, बिकॉज दैट इज ओनली इन योर कोर्स. हमारा चैप्टर नाम है
प्रिपेयरिंग बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो सेल्स टैक्स की बात बताई, ये बताई, फिर हम कुछ पांच स्टेप्स की बातें करेंगे, ठीक है जी। उसके बाद हम आएंगे, इसमें आएंगे, कंडीशंस की बातें करेंगे, हम सब देखेंगे। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, मैं भूपेश आनंद आपके साथ ही रहने वाला हूँ। आप अभी तक अपना रजिस्टर नहीं खोला तो खोल लीजिए बेटे, बेटे वो तो खोलना ही पड़ेगा। एक बच्चा कहता अच्छा सर खोल लेते हैं, ठीक है जी। फर्स्ट पॉइंट आप लिख चुके हैं, ठीक है सर। सेकेंड पॉइंट, फॉर रिकॉग्नाइजिंग रेवेन्यू इन अकाउंटिंग पीरियड। एक अकाउंटिंग पीरियड जो 12 महीने का पीरियड है, उस पीरियड में रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करने के लिए, दिस इज द अकाउंटिंग पीरियड, इन दिस पीरियड फॉर रिकॉग्नाइजिंग योर रेवेन्यू इट इज इंपॉर्टेंट टू चेक। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये चेक करना कि क्या वो रेवेन्यू, क्या वो कंडीशंस, क्या वो बातें आपने फुलफिल कर दी है एज पर IFRS 15। तो इट इज इंपॉर्टेंट टू चेक व्हेन एंड हाउ मच रेवेन्यू फ्रॉम दैट ट्रांजेक्शन कैन बी रिलेटेड टू दैट अकाउंटिंग पीरियड। आराम से बेटे, देखो मैं जल्दी में हुई नहीं। सेकेंड पॉइंट आप लिख लो, फॉर रिकॉग्नाइजिंग, बेटे जूस नोट्स भी प्रिपेयर किए, माइंड मैप्स भी प्रिपेयर किए, क्लास नोट्स भी प्रिपेयर किए, अभी मैं आपको गाना भी दिखाऊंगा, गूगल भी दिखाऊंगा, और तो बेटे घर ही ले चलो मेरे को, और तो इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता मैं। अब आप रजिस्टर ओपन नहीं कर रहे, आप बस खाली देखते जा रहे हैं बेटे ड्रामे। फॉर रिकॉग्नाइजिंग रेवेन्यू इन अकाउंटिंग पीरियड, एक पर्टिकुलर पीरियड में रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करने के लिए इट इज इंपॉर्टेंट टू चेक। क्या चेक करना चाहिए कि कितना और वेन, कब और कितना, कब और कितना वो रेवेन्यू कैन बी रिलेटेड विद दैट अकाउंटिंग पीरियड। इट इज इंपॉर्टेंट टू चेक व्हेन एंड हाउ मच रेवेन्यू फ्रॉम दैट ट्रांजैक्शन कैन बी रिलेटेड। मैं आज आपको रियल लाइफ एग्जांपल देने वाला हूं बेटे। ह्यूलेट पैकर्ड, एचपी का नाम सबने सुना, उसके प्रिंटर से आप यूज करते होंगे, एचपी। आजकल एचपी कंप्यूटर्स भी दे रहा है, और आफ्टर COVID-19 तो उनका सेल कम हुआ, तो उन्होंने क्या किया, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट भी करने लग गए कि अगर आप हमारे से कंप्यूटर्स लेते हैं तो 12 महीने तक अगर कुछ भी हुआ तो हम अपने टेक्नीशियंस भेजेंगे, आपको पूरी मेंटेन करके देंगे। इट मींस ह्यूलेट पैकेट का ये जो वायदा है, इट इज कॉम्पोजिट ऑफ टू, उसमें एक तो सेल ऑफ कंप्यूटर्स भी है और एक एनुअल मेंटेनेंस भी है। अब सवाल ये आएगा यहां पर, इन दिस IFRS 15 वी विल बी डिस्कसिंग दैट ह्यूलेट पैकर्ड जो उसने कंप्यूटर्स भी सेल किए और एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट भी एंटर किया, सपोजिंग ही उसने रिसीव 10 लाख डॉलर्स, 1 लाख डॉलर्स, कुछ भी, नो वेदर दैट टोटल अमाउंट विल बी ट्रीटेड एज अ इनकम एज अ रेवेन्यू ऑफ ह्यूलेट पैकर्ड एचपी इन दैट ईयर। नो बेटे, बेटे वो 12 महीने का, अब IFRS 15 उसमें हमारे को बहुत कुछ गाइड कर रही है, गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं। वैसे आपको बता दूं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो पूरा का पूरा अमाउंट एचपी अपने प्रॉफिट एंड लॉस के रेवेन्यू में शो करे। इट इज रॉन्ग एज पर IFRS 15, बिकॉज IFRS 15 सेज देर आर 5 गाइडिंग प्रिंसिपल्स जो आपको फॉलो करने चाहिए। अभी देखेंगे बेटे, सस्पेंस है। तो आप थर्ड पॉइंट लिखें, रेवेन्यू इन प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। ये लिख चुके हैं, मैंने स्लाइड दिखाई थी, फिर भी लिखना है अगर आपने जूस नोट नहीं लिए तो। बेटे लिखेंगे ना तो मैं बता रहा हूं आपको ज्यादा समझ आएगा, याद भी रहने वाला है। आप खाली किसी चीज को पढ़ते हैं और लिखते हैं, लिख कर पढ़ने के बाद लिखते हैं तो बेटे उसमें रिटेंशन ज्यादा रहती है, फिर बादाम कम खाने की जरूरत पड़ती है। रेवेन्यू इन प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट शुड बी एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स और GST, जैसे मैंने अभी आपको भूपेश आनंद क्लासेस का एग्जाम्पल दिया, एंड शुड बी एक्सक्लूडिंग अमाउंट कलेक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स। मैंने आपको मेक माई ट्रिप का एग्जाम्पल दिया, तो आप लिख लें मैंने जो एग्जाम्पल दिया, क्योंकि एग्जाम्पल से आपको रिलेट कर पाएंगे। एक्सक्लूडिंग सेल्स टैक्स, भूपेश आनंद क्लासेस अपने रेवेन्यू में 10,000 शो करेगी, ना कि 11,800। नो डाउट दैट पर्सन, दैट स्टूडेंट हैज पेड बी 11,800, कस्टमर के लिए 11,800 ही है उसका खर्चा, बट मेरे लिए आमदनी रेवेन्यू 10,000 है, क्योंकि 1,800 मुझे देना है। मेक माई ट्रिप एक्सक्लूडिंग अमाउंट ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स, बेटे मैंने एग्जाम्पल भी लिख दिया। अब आपने मेक माई ट्रिप से जेट एयरवेज की भी पेमेंट कर दी और मोरेल शेरेटन में एक होटल का रूम भी बुक कर दिया, तो बेटे मेक माई ट्रिप अपनी कमीशन रख के मोरियास को मोरियास के पैसे दे देगी, जेट एयरवेज को जेट एयरवेज के दे देगी। इट मीन्स मेक माई ट्रिप शुड ओनली राइट द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू विच इज बींग देयर विच रिलेट्स टू देम। चलिए जी, मैं आ गया जी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट में, IFRS 15 के सबसे इंपॉर्टेंट फेज में आ गया मैं इस समय।
इट इज इंपॉर्टेंट टू फॉलो। अब ये कैसे पता चलेगा? इन सभी प्रॉब्लम्स के लिए IFRS 15 ने 5 स्टेप्स दे दिए। 5 पांडव थे, 5 कुंती माता के पुत्र थे, जिसकी वजह से महाभारत की लड़ाई रची गई। बेटा 5 स्टेप्स IFRS 15 हैज गिवन टू अस दैट इफ वी फॉलो दोज 5 स्टेप्स। बड़े इजी स्टेप्स हैं, लॉजिकल हैं, अभी तक तो वैसे मैंने बता भी दिए जाने अनजाने में, बट लिखेंगे। इट इज इंपॉर्टेंट टू फॉलो 5 स्टेप्स एज पर IFRS 15 इन ऑर्डर टू डिटरमाइन हाउ मच रेवेन्यू इज टू बी रेकॉग्नाइज। इट इज इंपॉर्टेंट टू फॉलो 5 स्टेप्स एज पर IFRS 15 इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द रेवेन्यू टू बी रेकॉग्नाइज। इतने ईजी है कि मैं बता नहीं सकता। अगर आपने ध्यान से आने वाले 5 मिनट मेरी उस रियल केस स्टडी, मेरी कहानी, रियलिटी की जो केस स्टडी, उसको रिलेट कर दिया, सुनी लिया, तो काम हो जाएगा बेटे। पहला स्टेप, आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट। लिखो, चित्र बनाओ, मैंने फोटोज बनाई है, बनाओ फ्लो चार्ट, मैंने टाइमलाइन बनाई है, मैंने एग्जांपल लिया ह्यूलेट पैकेट, HP ह्यूलेट, मैं अब HP बोलूंगा, ठीक है, ह्यूलेट पैकेट कंपनी से पता है। और एक एग्जांपल लिया JK सीमेंट्स। इट मींस ह्यूलेट पैकेट ने कुछ कंप्यूटर सेल किए और उसके साथ एनुअल मेंटेनेंस का वायदा भी किया कि भाई हम आपको टोटल इतने पैसे लेंगे, इसमें हम आपको कंप्यूटर्स भी देंगे और आपको सर्विसेज भी देंगे। किसको देंगे? मुझे, JK सीमेंट को देंगे, और हम आपसे $2,00,000 चार्ज करेंगे। तो बेटे पहली बात हम देखेंगे स्टेप नंबर 1 में, व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन HP एंड JK। बेटे इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है सर। सेकेंड पॉइंट, आइडेंटिफाई। अब हम ये देखेंगे जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको अलग अलग कर देंगे, उसकी संधि विच्छेद कर देंगे, उसमें हथौड़े मारेंगे, टूट जा कॉन्ट्रैक्ट, टूट जा कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट कहता है अच्छा मैं टूटा, उसके 2 छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट निकले, एक तो कंप्यूटर बेचने का और एक एनुअल मेंटेनेंस देने का। तो स्टेप नंबर 2 एज पर IFRS 15, आइडेंटिफाई द सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन विद इन अ कॉन्ट्रैक्ट। उस कॉन्ट्रैक्ट में आपको जो सेपरेट ऑब्लिगेशंस हैं उसको अलग अलग कर दीजिए। आई हैव जस्ट गिवन यू द एग्जांपल दैट इन केस ऑफ HP एंड JK सीमेंट द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 स्मॉल कॉन्ट्रैक्ट्स। एज पर 1 कॉन्ट्रैक्ट HP विल बी गिविंग कंप्यूटर्स एंड एज पर 2nd कॉन्ट्रैक्ट HP विल बी गिविंग द सर्विसेज एज एनुअल मेंटेनेंस फॉर 6 मंथ्स और 12 मंथ्स। तो बेटा 2 भागों में डिवाइड कर दिया, चित्र बनाइए, टोटल मान लेते हैं 2 लाख रुपए लिए उन्होंने, तो 2 लाख को मैंने भाग कर दिया, लेट इट बी 1 लाख फॉर कंप्यूटर्स एंड लेट इट बी 1 लाख फॉर AMC। सो आई हैव जस्ट प्रिपेयर्ड अ डायग्राम फॉर यू, अ फ्लो चार्ट फॉर यू। दिस इज HP, दैट इज JK सीमेंट एंड दे आर बाइफर्केटिंग इट। ओके, नाउ दे आर चार्जिंग 1 लाख रुपीज एज सर्विस चार्जेस फॉर 12 मंथ्स। एक बच्चा कहता है सर गाना दिखाओ थोड़ा अच्छा लगेगा। अच्छा बेटे दिखाऊंगा बिल्कुल, आपको लेकिन कमेंट लिखना है कि वो मूवी कौन सी थी और उस गाने में आपको पसंद क्या आया, क्या अच्छा लगा। आइए बेटे देखते हैं, आइए, आपने कह दिया तो मैंने दिखाना है बेटे, क्यों नहीं दिखाऊंगा, मेरे को आपसे प्यार है, क्या करूं, ज्यादा देर के लिए नहीं दिखा पाऊंगा बेटे, थोड़ी देर के लिए दिखा पाऊंगा। आपको ध्यान से देखना है उस 2-3 मिनट, मोटिवेट होना है, मूवी का नाम लिखना है और आपने क्या सीखा उस गाने से। मिट्टी में तेरा खून, ऊपर अल्लाह नीचे धरती, बीच में तेरा खून है तेरी मिट्टी। मैंने हिंट दे दिया, आगे आप देखेंगे। मैं भूपेश आनंद आगे चल पड़ा बेटे, मैं आगे चल पड़ा। हाँ बेटे आगे चलना ही पड़ेगा ना, थोड़ा सा स्टेप नंबर 1-2 कर लिया, स्टेप 3 में आ जाइए बेटे। Determine the transaction price. I think in the first flowchart only, I have told you that 2 lakh is the amount which they are charging. And in the second flowchart, I have told you that 1 lakh they are charging for computers and 1 lakh they are charging for services. It means the transaction price is 1 lakh for computers and 1 lakh for AMC annual maintenance contract. Step number 3. Step number 4. Allocate bhi toh humne kar hi diya bete. अब मैंने तो सब कुछ ही दे दिया, आप खाओ बस, मैंने आपको हलवा बना के दे दिया, आपने खाने का काम करना है। एलोकेट द ट्रांजैक्शन प्राइस टू द सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। वी हैव सीन दैट देयर आर 2 ऑब्लिगेशंस एंड वी हैव डिवाइडेड इनटू 50-50। लेट इट द केस लाइक दिस एंड नाउ द पॉइंट इज, अब कहानी किस्मत की स्टार्ट होती है। ह्यूलेट पैकेट को
अपने अकाउंटिंग पीरियड में क्या वो 2 लाख रुपए पूरे के पूरे ही क्रेडिट करने हैं। एक बच्चा कहता सर IFRS 15 उसको थप्पड़ मारेगी। हाँ बेटे बिल्कुल थप्पड़ मारेगी। मैं एक बात अज्यूम करता हूँ और आप सबको ये बताने की कोशिश करता हूँ दैट लेट द अकाउंटिंग पीरियड ऑफ ह्यूलेट पैकेट भी January-December लेट इट बी 2019 एंड लेट इट बी 2019। और मैं कहता हूँ ये जो डील हुआ ना उनका JK सीमेंट के साथ ये हुआ 1 November 2019 को। किसका? मेरा थोड़ी हुआ, ह्यूलेट पैकेट का, HP का, किसके साथ? JK सीमेंट के साथ। वायदा हो गया, ये वायदा रहा। रघुपति रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। वचन हो गया बेटे, ठीक है जी, वचन हो गया कि तुम 2 लाख रुपए हमें दोगे। हाँ बिल्कुल देंगे। इस 2 लाख रुपए के अगर हमने विभाजन कर दिया, संधि विच्छेद किया, वी हैव डिवाइडेड दैट बाय 2 लाख रुपीज, सो वी हैव डिसाइडेड दैट 1 लाख फॉर दिस 1 लाख फॉर दिस इज फॉर कंप्यूटर्स एंड वी हैव डिलीवर्ड ऑल द कंप्यूटर्स। कंट्रोल आपके पास चला गया, हमने नहीं, हमारे पास कंट्रोल नहीं है। HP ने सारे के सारे कंप्यूटर्स, 10 मान लेते 10 कंप्यूटर्स थे, 10 के 10 डिलीवर कर दिए। नाउ दे आर इन द पोजीशन ऑफ JK सीमेंट। नाउ JK सीमेंट कैन डू एनीथिंग विद दोज कंप्यूटर्स। इट मींस द कंट्रोल इज नॉट विद नाउ HP, दैट कंट्रोल इज विद JK सीमेंट। तो बेटे जैसे ही कंट्रोल चला गया, एट दैट मोमेंट, उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे, एट दैट मोमेंट दैट 1 लाख रुपी when the control has been given by HP to JK सीमेंट, उसी मोमेंट में 1 November 2019 को मैं मानता हूं कि कंट्रोल चला गया। बस यही दिन, तारीख पे, तारीख बेटे इस तारीख पे 1 लाख रुपी विल बी ट्रीटेड एज इनकम और रेवेन्यू फॉर ह्यूलेट पैकेट दैट इज HP, बिकॉज कंप्यूटर्स का कंट्रोल इज नॉट विद नाउ HP, रादर दैट इज विद JK सीमेंट। एक बच्चा कहता सर ये तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बट आप ये बताओ वो जो 1 लाख रुपए उन्होंने सर्विसेज के लिए, एनुअल मेंटेनेंस के लिए, वो 1 साल के लिए है? हाँ बेटे 12 महीने के लिए। तो आप ये बताइए ये जो 1 लाख है ये बेटे एक साथ एट ए मोमेंट ऑफ टाइम नहीं होगा, ओवर अ टाइम होगा। एक बच्चा कहता सर आप 2 वर्ड यूज कर रहे हो। बेटे बिल्कुल IFRS 15 कह रहा है सम पार्ट सम रेवेन्यू विल बी रिकॉग्नाइज एट अ पर्टिकुलर टाइम व्हेन यू आर डिलीवरिंग गुड्स, व्हेन यू आर ट्रांसफरिंग द कंट्रोल, फॉर दैट आई विल कंसिडर अ पर्टिकुलर टाइम। And IFRS 15 also says that some part of revenue will be treated over a time because services आप धीरे धीरे दोगे। जैसे मैंने कहा 2 महीने नवंबर और दिसंबर का महीना बीत गया 2019 में, आपने कुछ सर्विसेज दी, 1 लाख रुपए आपने चार्ज किए थे, मैंने थोड़ी किए थे, ह्यूलेट पैकेट ने चार्ज किए थे, किससे? JK सीमेंट से। अभी 2 महीने बीत गए तो बेटे 2/12 हम बाइफरकेट करेंगे, वी विल डिवाइड प्रोपोर्शनेटली यू नो एंड दैट वी विल कैलकुलेट, लेट दिस अमाउंट भी 6 आ गया था बेटे, लेट दिस अमाउंट भी, मैं अज्यूम कर रहा हूं लेट दिस अमाउंट भी 8000, मैंने कैलकुलेट नहीं किया, मैं मान रहा हूं 8000 है। तो बेटे दिस 8000 16000 चलिए 16000 आ गया, 16000 आ गया क्योंकि हमने 2 से गुणा भी किया था, तो लेट इट बी 16000। नाउ द पॉइंट इज दिस 16000 रुपीज विल बी फॉर द सर्विसेज विच HP हैज प्रोवाइडेड टू JK सीमेंट फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 2019 एंड फॉर दिसंबर 2019। सो दिस विल बी ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इसका मतलब 1 लाख जो सर्विसेज के मिले, AMC के मिले, उसमें 16000 तो हम इसी ईयर 2019 में रेवेन्यू ट्रीट करेंगे, बट नेक्स्ट ईयर 84000 जो है वी विल सी कि कितना नेक्स्ट ईयर में आना चाहिए, बिकॉज इट इज ओवर अ टाइम एज पर IFRS 15 वी आर फॉलोइंग 5 स्टेप्स। एक बच्चा तो नींद आ रही है उसको, वो तो बेशरम हो जैसे बैठा हुआ, बस किसी भी तरह से उसने का लेक्चर तो ले लिया, पढ़ सुनना तो है, बेवकूफ है ना वो, क्या करें। बड़े 5 स्टेप्स मैंने तो बता भी दिया आपको सर, 5 बता दिए। हाँ अब आप देखिए 5 में 5वां क्या पॉइंट लिखा है
पांच स्टेप्स हो चुके हैं एज पर आई हैव 15 रेवेन्यूज रिकॉग्नाइज्ड ईदर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. दिस इज फॉर सर्विसेज जो मैंने अभी अभी लिया एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट और एट अ पॉइंट ऑफ टाइम. दिस इज फॉर कंप्यूटर्स. बेटे मेहनत करी है, ऐसा नहीं है कि बस फॉर्मेलिटी से मैं पढ़ा रहा हूँ. आप मेरी बॉडी लैंग्वेज देखिए, आप मेरी बातों को देखिए, आप मेरे एहसास को देखिए, आप मेरे एफर्ट को देखिए, आप मेरी हैंड रिटन स्लाइड्स देखिए, जूस नोट्स देखिए. बेटे पढ़ाना इसको कहते हैं. और मैं थकता नहीं हूँ क्योंकि मैं मन से पढ़ा रहा हूँ बेटे आपको. सो IFRS 15 ये कहता है दैट यू हैव टू फॉलो ईदर ओवर दैट रेवेन्यू विल बी रिकॉग्नाइज ईदर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम और एट अ पॉइंट ऑफ टाइम. व्हेन आई से पीरियड ऑफ टाइम इट मींस इट इज फॉर अ परफॉर्मेंस एप्लीकेशन. आपको अभी कुछ सर्विसेज देनी है, मैंने उन सर्विसेज के लिए लिखा AMC फॉर HP. ठीक है जी, HP विल सेटिस्फाई परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन. जब वो परफॉर्मेंस करेगी, जितना करेगी उसके हिसाब से हम उसकी सर्विसेज के रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करेंगे. बट द रेवेन्यू विच इज और एट अ पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन एबल टू व्हेन कंट्रोल ओवर गुड्स सप्लाइड बीन ट्रांसफर्ड. जब मैंने कंट्रोल दे दिया उन 10 कंप्यूटर्स का तो 1,00,000 रुपए उसी दिन 1 नवंबर को मेरे रेवेन्यू में ट्रीट हो जाएंगे. आई थिंक बात आपको समझ आ चुकी है. मैं भूपेश आनंद आपको ये कहना चाहता हूँ कि IFRS 15 और भी बहुत बड़ी है बेटे, सागर है. वी विल डिस्कस सागर इन F7 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड वी विल डिस्कस इन SBR स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग. अभी तक के लिए इतना ही काफ़ी है. एक हम क्वेश्चन करेंगे टेस्ट यू अंडरस्टैंडिंग, उससे हमें समझ आ जाएगा व्हाट वी वांट टू से. बट उससे पहले ये डिस्क्लोजर नोट्स लिख लीजिए दैट इफ यू एज पर IFRS 15 इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू शुड डिस्क्लोज दैट विच अकाउंटिंग पॉलिसी यू हैव फॉलोड फॉर रेवेन्यू रिकॉग्नाइजिंग एंड व्हाट आर द जजमेंट यू हैव मेड इन दोज 5 स्टेप्स. जो 5 स्टेप्स जब आप फॉलो कर रहे थे तो कौन कौन सी जजमेंट्स आपने फॉलो की. और अगर आपने रेवेन्यू टोटल शो किया तो उसका ब्रेकअप दिखाना जरूरी है. जैसे इस केस में ह्यूलेट पैकेट हैज टू शो 1 लाख as from Google computers and 16,000 from services, 84,000 is the advance received. It is not a revenue. ठीक है जी, लिख लो. एक क्वेश्चन करेंगे टेस्ट यू अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 4 आपको करेंगे. आपके पास कैप्लन हो तो कैप्लन निकाल लीजिए, अदरवाइज मैंने अपने नोट्स में उसको लिखा हुआ है, हम उसमें से कर लेंगे. अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉर रेवेन्यू रिकॉग्निशन जजमेंट्स इन 5 स्टेप्स इन टोटल अमाउंट ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्नाइज इन कैटेगरीज. आराम से बेटे डिस्क्लोज करना इंपॉर्टेंट है. ओके सर, आगे चल रहे हैं. बेटे मैं आ गया. सर कहाँ आ रहे हो आप? बेटे मैं भूपेश आनंद आज लास्ट लेक्चर में आपके सामने अपने जूस नोट से एक क्वेश्चन जो आपने कैप्लॉन से भी देख सकते हैं बेटे, मैंने वहाँ से ले लिया और मैंने नाम बदला ड्यूरिंग द ईयर आलिया भट्ट. आहा, मैंने कंपनी का नाम डाला आलिया भट्ट. ड्यूरिंग द ईयर एंडेड June 30th 2004. इसका मतलब मेरा अकाउंटिंग पीरियड 1 जुलाई 2003 से शुरू हुआ होगा और ये जाकर कंप्लीट हुआ कब? कब? 30th जून 2004. अब बेटे एक कस्टमर आया ए, उसको हमने कुछ गुड्स दी 20 जून को एट अ प्राइस ऑफ 1000. उसको हमने 1000 प्लस 20% प्लस $200 टोटल अमाउंट ₹1200 ले लिए, $1200 ले लिए. कैश वॉज रिसीव फ्रॉम कस्टमर ऑन 31 जुलाई. कैश जो है बाद में मिला. बेटे ये तो बड़ी सिंपल है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन पहले चैप्टर में बता दिया था. ठीक है जी, आलिया भट्ट एग्री टू सेल प्लस अ 6 मंथ कॉन्ट्रैक्ट टू. अच्छा पहले क्वेश्चन में देखते रहते हैं, पहले ट्रांजैक्शन में आप देखिए क्वेश्चन का ट्रांजैक्शन भी पढ़ लेते हैं. अच्छा चांस की बात हो है नहीं इसमें, कोई बात नहीं बेटे आप कैप्लन निकालिए. जब कैप्लन में पूरा देखना पड़ेगा, कोई बात ही नहीं है बेटे. चैप्टर नंबर हमने 17 में आ रहा है बेटा. लो जी इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है बेटा, ये आ गए हम 17 में. आप कैप्लन ओपन कर लीजिए बेटा, तब तक आप तो ऐसे खाली बैठे हैं जैसे पता नहीं लड़के की शादी में आए हो. हैं आप लड़के के विवाह में आए, चुपचाप बैठे
लड़की की शादी मानी है और कुछ काम कीजिए भाई साहब, ऐसे नहीं मजे में कर रहे हैं आराम से बैठे हुए हैं। नहीं बेटे, बेटे अगर अभी से खून बहाओगे तो फिर पसीना नहीं बहाना पड़ेगा। अभी पसीना बहा लो थोड़ा सा, फिर खून नहीं बहाना पड़ेगा। ये है बेटे क्वेश्चन। ड्यूरिंग द ईयर AMS कंपनी, मैंने उसको आलिया भट्ट मान लिया, ठीक है जी। द गुड्स वर डिलीवर्ड ऑन दिस एट अ प्राइस ऑफ दिस प्लस दिस, द कैश वॉज रिसीव्ड बाय दिस। अब पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। हाउ मच रेवेन्यू कैन AMS कंपनी रिकॉग्नाइज फॉर इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 30th June इन रिलेशन टू द ट्रांजेक्शन विद कस्टमर ए। बड़े सिंपल था ये तो, बड़ा सिंपल है जी। मैंने बड़ी मेहनत की है सर, क्या बताऊँ आपको, आप तो सोच भी नहीं सकते मैंने क्या क्या किया। ये देखिए, मैंने इस ट्रांजेक्शन वन का पहले चित्र बना दिया, फोटो बनाएगी, सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया। बेटे फोटो बनाई, आपका अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हुआ 1st July 2003 से 30th June 2004, 12 मंथ्स का। एक ट्रांजेक्शन हुई 20 जून 2004 को, जिसके पैसे जून के बाद मिले, 30th जून के बाद। वी आर फॉलोइंग अक्रूअल कंसेप्ट, वी आर नॉट कंसर्न दैट व्हेन वी आर गेटिंग कैश, इवन इफ आई एम गेटिंग कैश आफ्टर दैट, स्टिल इट विल बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू। बट व्हेन आई ट्रीट इट एज रेवेन्यू, देन इट शुड बी एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स। 20% इज अ सेल्स टैक्स व्हिच आई हैव चार्ज, सो इट इज नॉट 1200, नो डाउट आई हैव कलेक्टेड 1200 फ्रॉम दैट कस्टमर। बट मैं रेवेन्यू $1000 ही शो करूंगा, इसका आंसर $1000 आना चाहिए, ठीक है सर। आइए आइए, मैं आ गया जी दोबारा से। सर कहाँ, क्वेश्चन नंबर, उसी क्वेश्चन में बेटे, बार बार पूछते हो अच्छा थोड़ी लगता है। आप आ जाइए कैपलान में, सेकंड पॉइंट आ जाइए। AMS कंपनी एग्री टू सेल गुड्स फॉर अ 6 month मेंटेनेंस एग्रीमेंट। अब इसमें मजा आएगा, क्योंकि आप एज ए एग्रीमेंट बेच रहे हैं। $1500 आपने टोटल एग्रीमेंट है, एंड द गुड्स आर मेंटेन वाज सोल्ड सेपरेटली, इट मींस देयर इज अ टू सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट्स, देयर वुड बी सोल्ड फॉर 900 एंड 600 रिस्पेक्टिवली। इट मींस आप उन गुड्स के $900 ले रहे हैं और जो मेंटेनेंस के चार्जेस ले रहे हैं 6 महीने के, दैट इज $600, ठीक है सर। दिस शुड बी दिस दिस दिस। द गुड्स वर सप्लाइड ऑन 1st May 2004, 1 मई 2004 को वो गुड्स सप्लाई हो गई, इसका मतलब 30 जून से पहले हो गई, कंट्रोल चला गया। गुड्स तुम जा रही हो, गुड्स कहते हैं हम जा रहे हैं, ठीक है जाओ, तुम्हारा कंट्रोल आज से हमारा खत्म। अब वो कंट्रोल करेगा तुम्हें कस्टमर को। बेटे ऐसा किस दिन पता चला, 1 मई 2004 को। तो बेटे आई विल से दैट दिस रेवेन्यू ऑफ $900 विल बी ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू फॉर दैट कंपनी, फॉर द सेलर कंपनी एज ऑन अप टू फॉर द ईयर एंडिंग 30th June 2004, ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। If the goods and maintenance this 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 and the maintenance contract on that day and the maintenance contract commenced on that day, उसी दिन से maintenance भी शुरू हो गया, कब, 1 मई को। मुझे एक चीज बताइए, मैंने अभी अभी आपको example दिया था, 1 मई से contract start हो गया, 30 जून को मेरा period खत्म होगा, contract 6 महीने का है, तो क्या $600 मुझे income माननी चाहिए। बेटा आइए वर्ष 15 चीख चीख के बोल रही है दैट यू शुड फॉलो 5 steps अप्रोच एंड यू शुड क्रेडिट ओनली द प्रोपोर्शन अमाउंट इन केस ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, इट शुड बी ट्रीटेड एज ए रेवेन्यू ओवर अ टाइम। $600 विल नॉट बी एट अ टाइम, $900 विल बी एट अ टाइम बिकॉज वी हैव ट्रांसफर द कंट्रोल, बट फॉर सर्विसेज फॉर मेंटेनेंस इट विल नॉट बी एट अ टाइम। तो बेटे $600 इज फॉर 6 months, फॉर 2 months $200, इट मींस $200 प्लस $900 टोटल आ गए $1100। नाउ $1100 विल बी ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू फॉर द सेलर कंपनी, नाउ इट शुड बी एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स। बात समझ आ रही है? तो यही क्वेश्चन उसने पूछा है, आपको मैंने लॉजिक पहले ही बता दिया है। बेटे बात यह है कि आप कितने सीरियस हैं अपने लिए, ठीक है ना। कराने को तो मैं सब कुछ करा ही रहा हूं, ठीक है जी। बेटे आपको मैं अब क्या बताऊँ, मैं आपसे प्यार करता हूँ इसीलिए सब कराता हूँ। और IFRS 15 के लिए मैंने विकिपीडिया भी ओपन कर ली। विकिपीडिया ये कहती है कि क्या बोलती है, आइए देखिए। IFRS दिस 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 IFRS की बातें कर रही है, विकिपीडिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड की बातें कर रही है। विकिपीडिया तुम कैसी बातें करती हो, बार बार तुम मुझे कुछ बातें बताती हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिस दिस दिस। बेटे बड़ी सारी बातें हैं, रेवेन्यू मॉडल है, मैंने आपको काफ़ी सारी मेन मेन बातें तो बता भी दी, 5 steps बता दिए, ट्रांजेक्शन प्राइस बता दी। इतनी मेहनत कीजिए कि खुदा खुद पूछे कि तेरी रजा क्या है, मजा तो तब आ जाए यार। फर्स्ट अटेम्प्ट, फर्स्ट क्लियर, विद लॉजिक्स, विद रियल केस स्टडीज, विद प्रोजेक्ट्स।
मतलब आपको खुद ही अपने आप को शाबाशी देने का मन है यार। इन्हीं बातों के साथ बेटे आपने चैप्टर 17 तक कंप्लीट किया, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए, मैंने सारे टेस्ट यू अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट किए। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। आप कमेंट्स लिखिए और जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं बेटे मेरे को बताइए। इसीलिए मैंने ये पूरा का पूरा चैप्टर अपलोड कर दिया यूट्यूब में। मिलते हैं बेटे, बी हैप्पी, बी जॉली, बी चीयरफुल।